प्रकाश भाई, ओ प्रकाश भाई जरा अच्छा ले फोटो। नहीं हम मांग रहे हैं शादी खाने में। हाँ शाम को पहुँच के घर। हाँ से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आशफिन कुरैशी और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने मुझे पंजाब हरियाणा और राजस्थान का प्रभारी भी बनाया है। मैं सबसे पहले तो कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष नबी कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर हमारा पुरजोर तरीके से जो है स्वागत किया, और विदर्भ की जो कमेटी है कुलीन जमातुल कुरैश की उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो आप मीडिया के लोग हैं आप लोग यहाँ आए हमारी बात पब्लिक तक या सरकार तक पहुंचाने का काम करा, ये आप एक सीढ़ी है हमारी आवाज़ को वहां तक पहुंचाने का, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो हमारा दौरा है इस दौरे से हम दो बातें कहना चाहते हैं, एक तो हमारी परेशानियां तो बहुत सारी फहरिस्त है, साथ में ये है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक बात कही कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षा के लिहाज से हमारे सदर साहब ने बताया, अब ये जो हमारा दौरा है 5 राज्यों का, इसमें हम संगठन के लिए भी अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे और वक्त ब वक्त सरकार से जो है संघर्ष भी करेंगे और अपने हक को लेकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद से हूँ, हैदराबाद से हूँ मैं, दिल्ली से हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट हूँ कुलीन जमातुल कुरैश एक्शन कमेटी, और मेरे साथ में हमारे जो नॉर्थ इंडिया के कन्वीनर साहब है जनाब सलीम अहमद कुरैशी साहब, ये मेरठ और दिल्ली से वाबस्तगी रखते, और हमारे आशफिन कुरैशी साहब हैं ये दिल्ली के सदर के साथ साथ हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब वहाँ के कन्वीनर भी हैं, और हम मेरे साथ में डॉक्टर हबीब मुश्तबा कुरैशी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कुलीन जमातुल कुरैश एक्शन कमेटी है, और कोऑर्डिनेटर उसामुद्दीन कुरैशी एडवोकेट है, और ट्रेजरर जनाब के सलाहुद्दीन कुरैशी साहब हैं। देखिए हम लोगों का ये जो 5 स्टेट का दौरा है, हमारा सबसे पहला एक मंशा ये है कि जमातुल कुरैश के जितने कारोबारी लोग हैं उनको जो परेशानियां हैं उसमें सबसे बड़ी परेशानी स्लाटर हाउस और दुकानों के जो लाइसेंस वगैरह है उसमें जो तकलीफें और नई नई जो मुसीबतें पैदा की जा रही है उसकी फिक्र करते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तान में जो स्लाटर हाउसेस है उसको मॉडर्नाइज बनाया जाए, और जो लाइसेंसिंग है दुकानों की उसको हम लोग तरतीब के साथ हमारे लोगों को ट्रेनिंग देते हुए गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करते हुए हम इसको मॉडर्नाइज तरीके से दुकानों को भी हम इस कारोबार को उस लाइन में उस तरीके से हम सबको तरतीब देते रहेंगे। यही सिलसिले में हमारा दौरा है। सबसे पहले हमारे कर्नाटक के सदर साहब हैं जनाब नबी साहब, और हमारे बिदर के सदर साहब हैं सुलेमान साहब। यहाँ से हम देखिए हम ये चाहते हैं कि बिदर में एक मॉडर्नाइज स्लाटर हाउस बहुत जल्द कायम हो, जो तमाम जो ज़रूरियात होती जो टेक्निकल तरीके से जो मॉडर्नाइज होना चाहिए उस तरीके से हम यहाँ पर मॉडर्नाइज तामीर करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी कर रहे हैं, और जमातुल कुरैश एक्शन कमेटी बिदर की जानिब से भी जो भी ताउन होता बराबर हम हुकूमत के साथ ताउन हासिल करते हुए यहाँ पर सिर्फ बिदर में ही नहीं मॉडर्न स्लाटर हाउस बल्कि बैंगलोर, मैसूर और कर्नाटक के जहाँ जहाँ पर
आबादी जहाँ गोश्त खाने वालों की है, हर जगह हम मॉडर्नाइज स्लॉटर हाउस बनाने का बेड़ा उठा के रखे हैं। और यहाँ तक कि हम लोग मोबाइल स्लॉटर हाउस दो जानवर तीन जानवर के लिए भी हम हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए हमारे खर्चे पे भी इंशाल्लाह अगर हुआ तो मॉडर्नाइज स्लॉटर हाउसेस के साथ साथ जो दुकानें हैं दुकानों के लिए भी जहाँ भी लाइसेंस देने में तकलीफ हो रही है हम नुमाइंदगी करके लाइसेंस दिलाएंगे। नॉर्थ इंडिया पुलिस जनहितों पर एक्शन कमेटी की जानिब से हम लोगों का ये 5 दिवसीय दौरा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महीम कुरैशी साहब के क़यादत में और अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश आशकीन कुरैशी साहब, नबी कुरैशी साहब आपके बेदर और कर्नाटक के पूरे जिम्मेदार हैं। तो हम लोग कई चीज़ों को फिक्र लेकर इस दौरे पर निकले हैं, जो वक्ती तौर के हालात हैं उस पर और मारूसी कारोबार प्रेस कम्युनिटी के उन सिलसिलों में तफसील से हम लोग इसके लिए एक पूरा प्लान बनाकर निकले हैं और इंशाल्लाह बैठ के पूरी प्लानिंग करेंगे। सदर साहब इसके बारे में राय रखेंगे। भाई बरकाता हो, आज हमारे मेहमान मित्र प्रेस के जिम्मेदार, उन्होंने डिनर में हमारे सरजमीन पर कदम रखा है कर्नाटक स्टेट की, वो लोग है ना जिम्मेदार कुरैश एक्शन कमेटी का एक फिक्र लेते हुए उन अपना घर दार छोड़ के होम के बारे में कोशिश में लगे हुए लोग इधर हैं। और ये हमारे सलीम भाई सर स्टेट कमेटी एक्शन कमेटी के सदर हैं, हमारे सलीम साहब दिल्ली से हमारे दिल्ली के सदर साहब हैं, उनके जिम्मेदार लोग हमारे बिदर के जिम्मेदार कुरैश के सदर और हमारे औरा से है हमारे मामू और हमारे जो भी भाई और फ्रेज वाले हैं आपको मुबारकबाद देते हैं। और ये मेहमान हमारे खिदमत के लिए और कौम के लिए और हालात का जजा लेने के लिए बिदर पहुँचे हैं, यहाँ कर्नाटक स्टेट की मुहिम बिदर से चालू करने के लिए जो चंद अपने हमारे सलीम भाई इसके बारे में बताएंगे। मैं दिल्ली से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आशकीन कुरैशी और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने मुझे पंजाब हरियाणा और राजस्थान का प्रभारी भी बनाया है। मैं सबसे पहले तो कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष नबी कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तो उन्होंने यहाँ आकर हमारा पुरजोर तरीके से जो है स्वागत किया। और बिदर की जो कमेटी है कुलीन जमतुल कुरैश की, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आप मीडिया के लोग हैं आप लोग यहाँ आए हमारी बात पब्लिक तक या सरकार तक पहुंचाने का काम करा, ये आप एक सीढ़ी है हमारी आवाज़ को वहां तक पहुंचाने का, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो हमारा दौरा है इस दौरे से हम दो बातें कहना चाहते हैं, एक तो हमारी परेशानियां तो बहुत सारी फहरिस्त है, साथ में ये है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक बात कही कि शिक्षित रहो संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षा के लिहाज से हमारे सदर साहब ने बताया, अब ये जो हमारा दौरा है 5 राज्यों का, इसमें हम संगठन के लिए भी अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे और वक्त ब वक्त सरकार से जो है संघर्ष भी करेंगे और अपने हक को लेकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद से हूँ, हैदराबाद से हूँ मैं, दिल्ली से हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट हूँ कुलीन जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी। और मेरे साथ में हमारे जो नॉर्थ इंडिया के कन्वीनर साहब है जनाब सलीम अहमद कुरैशी साहब, ये मेरठ और दिल्ली से वाबस्तगी रखते। और हमारे आशकीन कुरैशी साहब हैं, ये दिल्ली के सदर के साथ साथ हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब वहाँ के कन्वीनर भी हैं। और हम मेरे साथ में डॉक्टर हबीब मुश्तबा कुरैशी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कुलीन जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी है और कोऑर्डिनेटर उसामुद्दीन कुरैशी एडवोकेट है और ट्रेजरर जनाब के सराउद्दीन कुरैशी साहब हैं। देखिए हम लोगों का ये जो 5 स्टेट का दौरा है, हमारा सबसे पहला एक मंशा ये है कि जमीयतुल कुरैश के जितने कारोबारी लोग हैं उनको जो परेशानियां हैं उसमें सबसे बड़ी परेशानी स्लॉटर हाउस और दुकानों के जो लाइसेंस वगैरह है उसमें जो तकलीफें और नई नई जो मुसीबतें पैदा की जा रही है उसकी फिक्र करते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तान में जो स्लॉटर हाउसेस है उसको मॉडर्नाइज बनाया जाए और जो लाइसेंसिंग है दुकानों की उसको हम लोग तरतीब के साथ हमारे लोगों को ट्रेनिंग देते हुए
गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करते हुए हम इसको मॉडर्नाइज तरीके से दुकानों को भी हम इस कारोबार को उस लाइन में उस तरीके से हम सबको तरजीब देते रहेंगे। यही सिलसिले में हमारा दौरा है। सबसे पहले हमारे कर्नाटक के सदर साहब हैं जनाब नबी साहब, और हमारे बिदर के सदर साहब हैं सुलेमान साहब। यहाँ से हम देखिए, हम ये चाहते हैं कि बिदर में एक मॉडर्नाइज स्लाटर हाउस बहुत जल्द कायम हो, जो तमाम जो ज़रूरियात होती, जो टेक्निकल तरीके से जो मॉडर्नाइज होना चाहिए, उस तरीके से हम यहाँ पर मॉडर्नाइज तामीर करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी कर रहे हैं। और जमीतुल कुरैश एक्शन कमेटी बिदर की जानिब से भी जो भी ताउन होता, बराबर हम हुकूमत के साथ ताउन हासिल करते हुए यहाँ पर सिर्फ बिदर में ही नहीं मॉडर्न स्लाटर हाउस, बल्कि बेंगलोर, मैसूर और कर्नाटक के जहाँ जहाँ पर आबादी, जहाँ गोश्त खाने वालों की है, हर जगह हम मॉडर्नाइज स्लाटर हाउस बनाने का बेड़ा उठा के रखे हैं। और यहाँ तक कि हम लोग मोबाइल स्लाटर हाउस दो जानवर, तीन जानवर के लिए भी हम हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए हमारे खर्चे पे भी इंशाल्लाह अगर हुआ तो मॉडर्नाइज स्लाटर हाउसेस के साथ साथ जो दुकानें हैं, दुकानों के लिए भी जहाँ भी लाइसेंस देने में तकलीफ हो रही है, हम नुमाइंदगी करके लाइसेंस दिलाएंगे। एक्शन कमेटी की जानिब से हम लोगों का ये 5 दिवसीय दौरा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महीम कुरैशी साहब के क़यादत में और अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश आशकीन कुरैशी साहब, नबी कुरैशी साहब आपके बेदर और कर्नाटक के पूरे जिम्मेदार हैं। तो हम लोग कई चीज़ों को फिक्र लेकर इस दौरे पर निकले हैं, जो वक्ती तौर के हालात हैं उस पर, और मारूसी कारोबार कुरैश कम्युनिटी के उन सिलसिलों में तफसील से हम लोग इसके लिए एक पूरा प्लान बनाकर निकले हैं। और इंशाल्लाह बैठ के पूरी प्लानिंग करेंगे, सदर साहब इसके बारे में राय रखेंगे। ये बरकत हो, आज हमारे मेहमान मित्र कुरैश के जिम्मेदार, उन्होंने बिदर में हमारे सरजमीन पर कदम रखा है कर्नाटक स्टेट की, वो लोग है ना जमीतुल कुरैश एक्शन कमेटी का एक फिक्र लेते हुए उन्होंने अपना घर दार छोड़ के कौम के बारे में कोशिश में लगे हैं, उन्होंने बिदर है। और ये हमारे सलीम भाई सर स्टेट कमेटी एक्शन कमेटी के सदर हैं, हमारे सलीम साहब डिजीज हैं, हमारे दिल्ली के सदर साहब हैं, उनके जिम्मेदार लोग हमारे बिदर के जमीतुल कुरैश के सदर, और हमारे औरा से है, हमारे मामू और हमारे जो भी भाई और करेज वाले हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं। और ये मेहमान हमारे खिदमत के लिए और कौम के लिए और हालात का जजा लेने के लिए बिदर पहुँचे हैं। यहाँ कर्नाटक स्टेट की मुहिम बिदर से चालू करने के लिए मैं चंद अपने हमारे सलीम भाई इसके बारे में बताएंगे।